सो हेलो एंड जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी? दिस इज़ अंशु एंड हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस अनदर पार्ट ऑफ फिजिक्स मीन्स साइंस एंड डेफिनेटली दिस सेशन विल वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। सो जैसा भी लगे आप डेफिनेटली कमेंट में कमेंट करके बताना एंड जो भी डाउट्स बनते हो कमेंट सेक्शन में आज करना, मैं जल्दी आपका रिप्लाई करने वाला हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ध्वनि का पानी में वेग होता है। 20 क्वेश्चन है, 20 में एक आपसे पूछूंगा, 19 आपको वैसे 20 में बताना है, 20 आउट ऑफ 20 आपका कितना स्कोर रहता है, बट एक क्वेश्चन तो मैं आपसे पूछूंगा, बाकी 19 का आंसर मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ध्वनि का वेग, द वेलोसिटी ऑफ ऑफ साउंड इन वाटर। तीन चीज़ें हैं यहाँ पे, वेलोसिटी का आपका पूछा हुआ है कि साउंड जो होता है मीन्स ध्वनि होता है वो वाटर में कितना होता है। सिंपल से मैं बता दूँ, 1500 मीटर पर सेकेंड होता है, कितना होता है 1500 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें आपकी बन के आ जाती हैं, जब मतलब ध्वनि क्या होती है, मान लो किसी माध्यम में जो ध्वनि एक सेकंड में जितनी दूरी तय करती है, ठीक है, एक सेकंड में ध्वनि जितनी भी दूरी तय करती है, ठीक है, उसे हम दूरी कहते हैं और माध्यम की मतलब ध्वनि कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, ध्वनि की चाल अगर देखो अलग अलग जगह के लिए भाई अलग अलग होती है। जैसे मैं बोलूं चाल शुष्क वायु में, अगर बोलूँ किसमें बोलूँ, शुष्क वायु में बोलूँ तो कितनी होगी, लगभग 340 मीटर पर सेकंड होती है, लगभग 340 मीटर पर सेकंड होती है। मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पे कि पूछ लेता कि ध्वनि की चाल शुष्क वायु में कितनी होगी तो 340 मीटर पर सेकंड हो जाता, जबकि यहाँ पे अगर आपसे पूछते वायु में ध्वनि का वेग या चाल तो वो हो जाता है आपका 330 मीटर पर सेकेंड। कितना होता है, 330 मीटर पर सेकेंड। सो क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था। नेक्स्ट है, ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, द पिच ऑफ साउंड इज डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है, ध्वनि का तारत्व। तो ध्वनि का मैं बोलूँ यहाँ पे, ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण ध्वनि हमें मोटी या पतली सुनाई देती है, ठीक है, उसे हम ध्वनि का तारत्व कहते हैं। मतलब इसकी मैंने डिफिनेशन बताई कि ध्वनि का मतलब वो लक्षण जिसके कारण हमें ध्वनि जो होती है आपका मोटी या पतली सुनाई देती है वो ध्वनि का तारत्व कहलाता है। तो लेकिन यहाँ पे पूछा है ध्वनि का तारत्व किस पे डिपेंड करता है, तो वो आपका उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी मीन्स आवृत्ति पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, एक ध्वनि परावर्तित पृष्ठ से एक प्रतिध्वनि, मीन्स क्वेश्चन ऐसे आएगा आपका, प्रतिध्वनि सुनने के लिए कम से कम क्या दूरी होनी चाहिए, कम से कम यहाँ पे पूछ रहा है। एग्जैक्ट मैं बोलूँ तो 17 होता है आपका, 17 मीटर यहाँ पे, लेकिन 17.2 मीटर दिया हुआ है, तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा कि 17.2 मीटर होना चाहिए, ठीक है, किसी ध्वनि का। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये याद रखना, बहुत बार पूछा भी हुआ है और डेफिनेटली आपके आपका आगामी एग्जाम लाइक आपका कोस्ट गार्ड के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, और एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम के लिए, एक्स के लेवल का तो नहीं है लेकिन वाई के लेवल का है, वाई में भी साइंस के क्वेश्चन एक दो आते हैं। ध्वनि की चाल किसमें वृहत होती है, मीन्स फास्ट होती है, मैंने ये चैप्टर कराया था साउंड वाला, उसमें ये ऑलरेडी क्वेश्चन बताया था। ध्वनि की चाल जो होती है सबसे अधिक मतलब फास्ट होती है ठोस में, किसमें होती है, ठोस में, और सबसे कम किसमें होती है, गैस में होती है, ठोस मतलब सॉलिड और गैस में सबसे कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ठोस देख लेते हैं कौन है, इस्पात है, कौन है, निर्वात, तो कामी हटाई दो, निर्वात में तो कुछ होता ही नहीं है। तो ध्वनि की चाल सबसे फास्ट किसमें होती है, इस्पात में होती है, ठीक है, स्टील में होती है। तो क्वेश्चन फोर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मतलब लॉजिकली खुद को यहां पे अज्यूम करो कि हां मैं हूं, रामलीला देख रहा है, एक लड़का रावण के पुतले की दूर से लपटों में जलते हुए देखता है, ठीक है, मतलब देख रहा है लड़का कि रावण है जो वो जल रहा है दूर से, और विस्फोट 2 सेकंड के बाद सुनता है, क्योंकि मतलब कि उधर आग आग लग गई बिल्कुल, ठीक है, देख रहा कि आग आग लग चुकी है, लेकिन उसका जो आवाज होता है वो कुछ देर बाद सुनाई देता है। भाई आपने दिवाली वगैरह पे तो फील किया ही होगा, ठीक है, तो ऐसा किस वजह से होता है, तो क्वेश्चन नंबर फाइव पे यहाँ पे देखना होगा, प्रकाश ध्वनि से तेज चलता है, प्रकाश ध्वनि से तेज चलता है। सिंपल सी बात है भाई, ध्वनि की स्पीड कितना है, 330 मीटर पर सेकेंड, जबकि प्रकाश की स्पीड कितनी है आपको पता ही होगा, 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, पता है ना। तो क्वेश्चन नंबर फाइव का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सी और डी अगर आप देखना चाहो तो देख लो, दोनों समान गति से चलते हैं या दृष्टि निर्बंध है, मतलब हम इन्हें देख नहीं सकते हैं, ध्वनि प्रकाश से तेज चलती है, इट्स इम्पॉसिबल। ओके, सो क्वेश्चन नंबर फाइव का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सिक्स की ओर, ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, ठीक है, द यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पहले भी करा रखा है, काफ़ी इजी है, सिक्स का सी हो जाएगा, डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन की ओर बढ़ते हैं कि जब ध्वनि तेज हो जाती है तो ध्वनि का कौन सा गुण धर्म बढ़ जाता है, मतलब जब आपका व्हेन द साउंड गेट्स लाउडर, आपका साउंड जो होता है तेज हो जाता है, तो ध्वनि का पूछ रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी, ठीक है, इनमें से कौन सा गुण धर्म बढ़ जाता है। सो राइट आंसर सेवन का ऑप्शन नंबर बी होगा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, एम्पलीट्यूड। आपको पता होगा कि ध्वनि की प्रबलता
जो ध्वनि की प्रबल, अब इसे लिख सकते हो, मैं मान लो इसकी डिफिनेशन बता रहा हूँ कि ध्वनि की प्रबलता जो होती है उसके आयाम के वर्ग के, किसके, उसके आयाम के मीन्स एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के समानुपाती होती है। जब ध्वनि तेज होती है तो उसका आयाम भी बढ़ जाता है। सो इसी बेसिस पे क्वेश्चन नंबर मतलब पूछ रहा है कि ध्वनि जब तेज होती है तो उसका आयाम भी बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एट की, और सोनार इसका उपयोग करता है। सोनार किसका उपयोग करता है? सोनार पराशर तरंगों में, प्रकाश तरंगों में, एक्स किरणों में, सूक्ष्म तरंगों में। देखो सोनार क्या होता है, सोनार का मतलब आप इंडियन नेवी पे जाओगे, इंडियन कोस्ट गार्ड में जाओगे तो भाई यूज आपको करने को मिलेगा। लाइक समुद्री नौ संचालन में इसका यूज किया जाता है, मतलब समुद्र में कोई वस्तु खो गई है उसे पता लगाने के लिए, ठीक है। और इसमें मतलब अगर उपयोग किया जाता है तो अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यदि ध्वनि का आयाम दोगुना कर दिया जाए, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड इज डबल देन इट्स लाउडनेस विल इंक्रीजेस, ठीक है, तो इसकी प्रबलता में वृद्धि होगी। कितनी वृद्धि होगी? वो हो जाएगी आपकी चार गुना। कितनी होगी? चार गुना हो जाएगी। आपको मैं बता दूं यदि ध्वनि का आयाम आप दो गुना कर दोगे, कितना कर दोगे? दो गुना, तो इसकी प्रबलता में चार गुना की वृद्धि होगी। कितने गुना की वृद्धि होगी? चार गुना की। क्योंकि मैं बता देता हूं कि प्रबलता जो आपकी होती है, जो प्रबलता आपकी होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? आयाम के वर्ग के समानुपाती होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं कि आवाज गूंजती है क्योंकि, किसके कारण गूंजती है? तो सिंपल सा ये राइट आंसर आपका ध्वनि के परावर्तन के कारण हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफी ईजी था, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। देखो आप लोगों के लिए बेस्ट है सीरीज अवेलेबल है परीक्षा ऐप पे। अब देखो आपको जहाँ बेस्ट लगता है आप वहाँ पे कर सकते हो, मैं केवल आपको रिकमेंड करता हूँ, सजेस्ट करता हूँ। लेकिन भाई 149 में आपको 15 टेस्ट या एयरफोर्स के लिए 25 टेस्ट या फिर नेवी के लिए 20 टेस्ट और एयरफोर्स के लिए लास्ट टाइम मैंने 40 टेस्ट कराए थे यहाँ पे, ठीक है। कोस्ट गार्ड के लिए भी कोशिश करूँगा कि अभी 15 टेस्ट हैं 20 करा दूँ, लेकिन न्यू पैटर्न पे हैं, कोई भी मतलब बनाता है करता है तो भाई उसके लिए टाइम लगता है, ठीक है। तो सिंपल सा है, यहाँ पे बेस्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, बेस्ट पेपर पे, बेस्ट कंटेंट के साथ, न्यू कंटेंट के साथ, जैसा आपका एग्जाम आने वाला है उस बेसिस पे यहाँ पे आपका कोस्ट गार्ड डीबी के लिए 60 क्वेश्चन, आपका जो पेपर होगा और डीबी के लिए 50 क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे रैंकिंग देख सकते हो, निगेटिव मार्किंग होता है। बाकी और भी कोई डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट में बताना। बाइक करते समय कोड का ऑप्शन आएगा तो ऑनलाइन D50 डाल देना, आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद एक सबसे बड़ी सूचना जो मैं बता देता हूँ, एक बार बाइक कर लोगे भाई तो पहली बार तो आपका 149 लगेगा, आप एक टेस्ट बाइक कर लोगे, लेकिन जब कभी दोबारा बाइक करोगे तो 110 रुपये देने होंगे आपको, और वहां पे जितने सारे के सारे टेस्ट होंगे, जितने भी टेस्ट होंगे सब के सब टेस्ट मिल जाएंगे। लगभग मैं बोलूं फिर अगर नंबर ऑफ टेस्ट की तो लगभग 260 टेस्ट मिल जाते हैं आपको। पहली बार 149 देने होंगे और दूसरी बार 110, मतलब कि टोटल 260 में रुपीज में 260 टेस्ट, मतलब एक टेस्ट का प्राइस ₹1। अब अभी आप जितने भी समझदार हो पूरी लॉजिक लगा लो, आर्मी एप कैट एंड डी ए सब के सब टेस्ट वहाँ पे मिल जाते हैं। फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट में जरूर बताना, नंबर कमेंट कर देना, मैं आपसे कॉल पे भी बात कर लूँगा, ठीक है। तो बाइक करते समय कोड आएगा तो ऑनलाइन D50 डाल देना। आवाज़ गूंजती है ये हो गया। अगला राइबोफ्लेविन की कमी के कारण होता है, राइबोफ्लेविन की कमी के कारण होता है क्वेश्चन नंबर 11। तो मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उसे बोलते हैं एरिबोफ्लाविनोसिस। क्या बोलते हैं उसे? बोलते हैं एरिबोफ्लाविनोसिस। अब देखो थोड़ा सा साउंड आ रहा होगा बैकग्राउंड में तो उसके लिए सॉरी यार। बता दूं विटामिन B2 जो होता है, विटामिन B2 उसे हम राइबोफ्लोविन यकृत वक्र दूध अंडा पालक आदि में ये पाया जाता है, ठीक है। इसकी कमी से मानव में दुर्बल टाइप का या वृद्ध टाइप का जो आदमी मतलब वृद्ध टाइप का मानव आदमी दिखने लगता है। तो राइबोफ्लोविन की कमी से क्या होता है? तो आपका एरिबोफ्लाविनोसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जो कि होता है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जो कि होता है, किसे होता है? 12 पे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा कि श्वेत रुधिर कोशिका के अधिक निर्माण के कारण है। मतलब कि ये रोग होता है कौन सा? ल्यूकेमिया रोग होता है, वो किसके कारण होता है? वो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा कि श्वेत रुधिर के कोशिका के निर्माण अधिक निर्माण के कारण। आपको पता होगा कैंसर एक प्रकार की बीमारी है, ठीक है, बीमारी है ना, जो ऊतकों की कोशिकाओं में असमान वृद्धि के कारण, मतलब जो ऊतक होते हैं कोशिकाओं में असमान वृद्धि हो जाती है उनकी, इसी कारण से हो जाता है। तो क्वेश्चन 13 की ओर पढ़ते हैं, लक्षण में आयोडीन की कमी से होता रोग है। ये MR के एग्जाम पे लास्ट टाइम आस किया हुआ था, MR के एग्जाम पे आस किया हुआ क्वेश्चन है। मतलब कि आयोडीन की कमी से जो रोग होता है वो आपका घेंगा होता है। विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट
एड्स रोग होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सिफेरॉल होता है। और एक ये जो दिया हुआ है एनीमिया, आई थिंक सूखा रोग टाइप ऐसा कुछ होता है, आई एम नॉट श्योर, आप बता सकते हो कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है, मैं डाउट में हूँ। स्कर्वी आपका विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम आपका एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन बी का थायमीन होता है, और विटामिन बी का थायमीन होता है, ठीक है, बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका रेटिनॉल होता है, और उसके जो रेटिनॉल रेटिनॉल विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो रतौंधी रोग होता है। आगे बढ़ते हैं, गाजर खाओ सबसे अच्छा, मतलब आपकी आंखें रहेंगी। रिकेट्स किसकी कमी से? ऑलरेडी मैंने बताया विटामिन डी की कमी से। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? मैंने बताया अभी कैल्सिफेरॉल। विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन सी का स्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन बी का थायमिन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 15 की ओर। एक जीव से अन्य जीव में रोग वाहन करने वाला जीव कहलाता है, ठीक है, उसे हम वेक्टर बोलते हैं, है कोई ऑप्शन? हाँ ये है तो वेक्टर। पैरासाइट मतलब कि रोग वाहक जिसे बोलते हैं, मतलब कि एक जीव से अन्य जीव में रोग वाहन करने वाला जीव रोग वाहक कहलाता है। सिंपल सा, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले को हम रोग वाहक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की ओर, हीमोग्लोबिन में एक लाल वर्णक मौजूद होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन में एक लाल वर्णक मौजूद होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं आरबीसी। क्या बोलते हैं? आरबीसी। पढ़ चुके हो गया ऑलरेडी ये क्वेश्चन। 17 नंबर क्या है? 17 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा एकमात्र आंतरिक मानव अंग है जो फिर से उत्पन्न हो सकता है, मतलब अंदर का कह रहा है कि एक अंदर का ऐसा कौन सा मानव का अंग है जो फिर से मतलब उत्पन्न हो सकता है, तो वो कौन सा है भाई? क्वेश्चन नंबर 17 ए है भाई, यकृत। क्या है? यकृत। यकृत एकमात्र आंतरिक मानव अंग है जो फिर से उत्पन्न हो सकता है। सो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर पढ़ते हैं, अतिसार का कारण बताइए। अतिसार, द केस ऑफ डायरिया इज, ठीक है, अब मे भी आपको यहाँ पे अतिसार आपने पहली बार सुना होगा, लेकिन डायरिया आपने वर्ड पहले ऑलरेडी सुन रखा होगा, ठीक है। तो अतिसार का जो कारण होता है वो यहाँ पे सभी के सभी, ये सारे के सारे रीजन्स होते हैं उसके लिए, जैसे इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग, या कॉन्टामिनेटेड वाटर मतलब कि दूषित पानी, ठीक है, ये सारे के सारे रीजन होते हैं अतिसार के, ठीक है। और ये यहाँ पे जो आपका डी नंबर तो राइट हो ही जाएगा, मतलब अप्रोक्स सभी के सभी। 19 आपको कमेंट में कमेंट करके बताना है, क्या है? निम्न कौन सा सूक्ष्म जीव हेपेटाइटिस बी का कारण है? हेपेटाइटिस बी का कारण इनमें से कौन सा है? वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरियम, या डी नन ऑफ दिस? ठीक है, डी नन ऑफ दिस। व्हाट विल बी द राइट आंसर? डेफिनेटली यू हैव टू टेल मी इन अ कॉमेंट सेक्शन, मैं आपका आंसर का वेट करूंगा। नहीं, अगर गलत हुआ तो मैं जरूर बताऊंगा कि क्या राइट है। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण नहीं होता है? इनमें से कौन सा रोग जीवाणु के कारण नहीं होता है? चलो मैं ऊपर वाला बताता हूँ, ये आप बताना, ठीक है, मैंने पहले सोचा था। चलो ऊपर वाले का राइट आंसर 19 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर, विषाणु होता है, ठीक है, कौन सा होता है? विषाणु। हेपेटाइटिस बी विषाणु के कारण होता है। इसका मतलब रीजन क्या होता है? इसके मतलब इसके जानोगे कैसे? इसके कारण लीवर जो होता है आपका लीवर, ठीक है, उसमें सूजन आ जाती है, लीवर में होता है आपका सूजन आ जाती है, ठीक है। 20 आपको बताना है, निम्न से कौन सा रोग जीवाणु के कारण नहीं होता? कौन सा रोग जीवाणु के कारण नहीं होता? मलेरिया, हैजा, कालरा, टाइफाइड, काली खांसी। सो इसका आंसर कमेंट में बताओ, कोई दिक्कत आई हो तो डेफिनेटली बताना। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन से डाउनलोड कर लेना। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।